स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीरो बेस बजटिंग। लास्ट टाइम मैंने आपको बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट के बारे में बताया था। फ्लेक्सिबल बजट फर्म की अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर काम करने की कैपेबिलिटी को मॉडिफाई करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए बनाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पर काम करने से फर्म को कितने प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे, उसी हिसाब से फर्म अपनी पॉलिसीज़ को आगे के लिए इम्प्लीमेंट कर सकती है और किस प्रोडक्शन लेवल पर काम करना है ये आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। इसके बाद सेकेंड थिंग आई थी फिर इसमें सेल बजट। सेल बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम इसमें फ्यूचर में एंटीसिपेटेड जो सेल होने वाली है हमारी, जो हम आगे अपनी फ्यूचर में सेल जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हम जो पॉलिसीज बनाएंगे उससे हमारी सेल्स में जो इंक्रीज होगा, या आगे कोई ऐसे इवेंट होने वाले हैं जिसकी वजह से सेल कम होने वाली है, तो उसका एक जो है इन सब कॉम्बिनेशंस को मिलाते हुए फ्यूचर में हमारी सेल्स जो हैं वो क्या रहेंगी, उसके हिसाब से हम अपना जो है प्रेडिक्शन करते हैं। फिर उसी सेल के हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए और तैयार रहने के लिए कह सकते हैं। तो सेल बजट बनाने से हमें हेल्प मिलती है कि हम फ्यूचर का प्रोडक्शन कर सकते हैं कि हमारी सेल किस हिसाब से रहेगी, और उसमें उसको और बढ़ाने के लिए हम क्या जो है पॉलिसीज़ आगे, या क्या मार्केटिंग जो है आगे कर सकते हैं, क्या उसमें जो है चेंजेस ला सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। इसके बाद नेक्स्ट हमने करा था इसमें प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का जो मेन काम होता है वो सेल बजट के बाद ही स्टार्ट होता है। सेल बजट बना के अगर हमने एक बार प्रेडिक्ट कर ली कि हमारी सेल कितनी रहनी है, तो फिर हमें अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी बजट बना के देना होगा कि आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में इतना प्रोडक्शन जो है लेकर के चलना है, इतना प्रोडक्शन आपको ज़रूर करके रखना है, क्योंकि हमारी सेल का प्रोडक्शन ये है। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन वालों को भी पता होता है कि उनको क्या जो है किस लेवल पर काम करना है और किस तरह से अपने स्टॉक जो हैं वो बनाए रखने हैं, मेंटेन करके चलने हैं, ताकि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्शन की कहीं भी शॉर्टेज ना हो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें जीरो बेस बजटिंग का। ये बिल्कुल एक न्यू अप्रोच है। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें बेस जो है वो जीरो से स्टार्टिंग करके लिया जाता है, इसलिए इसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। देखिए, हमने जो पिछले तीनों बजट बनाए हैं, फ्लेक्सिबल, सेल्स और प्रोडक्शन बजट, उनमें क्या होता है कि हम बजट बनाते टाइम पर पास्ट डाटा को कंसीडर करते हैं, यानी उनके बेसिस पर फ्यूचर के जो एस्टिमेट्स हैं वो लगाए जाते हैं, यानी उनमें जो हमारा बेस रहता है वो पास्ट डाटा रहता है, उसी के बेसिस पर हम फ्यूचर के प्रेडिक्शन करते हैं। इसी अप्रोच को बदलते हुए जीरो बेस बजटिंग बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। यहाँ पर पिछला जो डाटा है, पिछला जो बेस है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर बजट बनाते समय जो स्टार्टिंग होती है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होती है, इसीलिए इसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। यहाँ पर पास डाटा से आपको कोई ले मतलब नहीं है। यहाँ पर जब भी आप बजट बनाएंगे तो जिस फ्यूचर के लिए आप बजट बना रहे हैं, फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए बजट बना रहे हैं, उसके लिए आपको स्टार्टिंग जीरो से करनी होगी, यानी जीरो से आपको जो है स्टार्टिंग होगी। आपको हर चीज़ का जो है उसके जो है कैलकुलेशन करने होंगे, हर चीज़ के प्रेडिक्शन जो है आपको बताने होंगे, हर चीज़ के जो है आपको जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी और जो जितने भी एक्सपेंसेस होने हैं सबकी जो है एक रिपोर्ट बना के देनी होगी, कि उनको जस्टिफाइड करना होगा कि ये जो खर्चे किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें पिछला हमने ये किया था तो हम इस बार भी ऐसे ही करेंगे। इन तरह की बातों का कोई जो है इसमें जो है रोल नहीं होता, इसीलिए इसको जीरो बेस बजटिंग कहा जाता है। ZBB इज ए न्यू अप्रोच टू बजटिंग विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1969 इंटू टेक्सस इंस्ट्रूमेंट इन अमेरिका बाई पीटर ए वाइपेयर। जीरो बेस बजटिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द स्क्रैच विद ए जीरो बेस, यानी इसमें जो है इसको जीरो बेस बजटिंग को जो इंट्रोड्यूस किया था वो 1969 में टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स इन अमेरिका ने जो है इसको जो है इसमें जो है पीटर ए पेयर ने बनाया था,
और इन्होंने इसको जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल बताया है, जिसमें कि बजट बनाते समय जो है हम बेस जो है अपना वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और फिर अपना पूरा बजट तैयार करके देंगे कि हम उस बजट को क्यों जो है जस्टिफाइड, हर आइटम उसकी हमें जस्टिफाइड करनी होगी, हम उस बजट में कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या इनकम रख रहे हैं तो वो क्यों रख रहे हैं उसका हमें एक जस्टिफिकेशन देना होगा। लेकिन वो सब पास्ट डाटा के बेसिस पर नहीं होगा, वो फ्यूचर डाटा के, फ्यूचर के लिए आपको एस्टिमेट लगाना है और उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। इट इन्वॉल्व्स री इवेल्युएटिंग एवरी लाइन आइटम ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड जस्टिफाइंग ऑल द एक्सपेंडिचर दैट इज टू बी इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। यहाँ पर यही करना है कि यहाँ पर दोबारा से हर चीज़ों का री इवेल्युएशन किया जाएगा, ये नहीं कि पिछला डाटा जो था उसी को ही आगे कुछ परसेंट बढ़ा करके या कुछ परसेंट कम करके हम नया बजट बना के तैयार करके दे दें। उसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर में जो भी कुछ होना है वो सब पास्ट के बेसिस पर ही करते हैं, उससे क्या होता है कि हमने नया क्या किया है, नई क्या कैलकुलेशंस की हैं, नई स्ट्रेटजी क्या बनाई है उनका नहीं बिल्कुल भी पता चल पाता है, और फर्म नया क्या कर सकती है, नई जो है नई क्या क्या अप्रोच लगा सकती है अपनी अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, इन बातों का जो है उसमें कोई रोल नहीं हो जो है इंक्लूड हो पाता पुराने टाइप की जो बजटिंग है, क्योंकि उसमें जो है जो पुराना चलता आ रहा है बस उसी पर ही हम आगे जो है फॉलो करते रहते हैं। जबकि जीरो बेस बजटिंग ये कहता है कि आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कीजिए, नए सिरे से हर एक आइटम को जो है रिवैल्यूएट कीजिए कि वो खर्चा कहाँ होना है, क्यों होना है, उसका जस्टिफिकेशन देना होगा आपको कि वो क्यों किया जा रहा है, और साथ साथ आपकी जो है इनकम क्या होंगी, क्या एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ आप खर्च करेंगे, हर डिपार्टमेंट को अपना एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो देनी होगी। उसी के बेसिस पर ही हम जीरो बेस है उसी बेसिस पर हम बजट जो है तैयार करेंगे, इसीलिए इसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। दस जीरो बेस बजटिंग डेफिनेशन गोज एज ए मैथड ऑफ बजटिंग वेयर बाई ऑल द एक्सपेंसिस फॉर द न्यू पीरियड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसिस दैट आर टू बी इनकर्ड एंड नोट ऑन द डिफरेंशियल बेसिस विच इन्वॉल्व जस्ट चेंजिंग द एक्सपेंसिस इनकर्ड टेकिंग इन टू अकाउंट चार्ज इन द ऑपरेशनल एक्टिविटी। देखिए जीरो बेस बजटिंग की जो डेफिनेशन है वो यही बताती है कि इसमें जो है जब हम न्यू पीरियड के लिए कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी जो है बजट बना रहे हैं उनकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उनको उसमें ध्यान रखा जाएगा कि वो एक्चुअली में उन एक्सपेंसेस के लिए क्या जस्टिफिकेशन आपने दिए हैं, यानी वो एक्चुअली में क्या किस तरह से किए जाने हैं और किस तरह से उनके आउटपुट आएंगे और उनके जो उनके रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से जनरेट होंगे, ये पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटी जो भी आपकी होगी बजट से रिलेटेड वो सारी की सारी एक्टिविटी को आपको जो है एक्चुअली जो है जो की जानी है उसको जस्टिफाइड तरीके से आपको बताना होगा जब भी उसका बजट में जो है इन्वॉल्वमेंट जोड़ा जाएगा। ये नहीं कह सकते आप कि पहले हम ये कर रहे थे खर्चा तो अब भी हम यही करेंगे, आपको बताना होगा कि वो खर्चा आप क्यों कर रहे हैं, उसका आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और वो आगे फ्यूचर में आपको किस तरह से हेल्प करेगा। तो इस तरह बजट में जो भी पर्टिकुलर आइटम जो है, कोई भी लाइन ऑफ आइटम जो है इंक्लूड की जाएगी तो उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा कि वो क्यों इंक्लूड की जा रही है। अंडर दिस मेथड एवरी एक्टिविटी नीड्स टू बी जस्टिफाइड एक्सप्लेनिंग द रिवेन्यू दैट एवरी कॉस्ट विल जनरेट फॉर द कंपनी। तो इसमें यही होता है अंडर दिस मेथड कि इसमें हर जो भी आप जो है रिवेन्यू जनरेट होगा या जो भी एक्सपेंसिस जो है आप करेंगे उसको आपको पूरा जस्टिफाइड करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा और उसके बाद आप उसे बजट में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें जो है ZBB में यही एक मेन चीज़ है कि इसमें बजट बनाने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप इसमें बेस जो है वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी हर एक पर्टिकुलर आइटम जब भी आप बजट में इंक्लूड करेंगे तो उसके बारे में आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा, प्रॉपर उसके जो है उसको उसके एक्सप्लेन करना होगा कि वो आइटम पर्टिकुलर लाइन ऑफ आइटम क्यों इंक्लूड करी जा रही है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसको क्यों इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है जो भी आप बजट बनाएंगे वो जो है बिल्कुल एक्चुअल जो पोजीशन होगी उसको ध्यान में रखते हुए बनेगा जो फर्म की इस समय चल रही है, ये नहीं कि पास्ट में जो पोजीशन चल रही थी उसी के बेसिस पर हमने नेक्स्ट टाइम का भी बजट बना दिया, क्योंकि हर साल हर टाइम पीरियड के बाद पोजीशन जो है फर्म की या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो इनका ZBB अप्रोच का ये मानना है कि जब कंडीशंस हर बार चेंज होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती हैं, तो पास्ट डाटा जो है वो फ्यूचर डाटा पर बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं माना जा सकता,
उसको हमें नई कंडीशन के, नए सेनारियों के अकॉर्डिंग या नई इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग दोबारा से बनाना चाहिए। तो ये जीरो बेस बजटिंग का बेस है कि आप बजट जब भी बनाएं तो उसकी स्टार्टिंग जीरो बेस से करें और हर एक आइटम, पर्टिकुलर आइटम जो भी उसमें इंक्लूड करें उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकाइड जो है उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तभी उसको बजट में इंक्लूड करें। इस तरह से बजट तैयार करने से जो बजट है वो एक्चुअल बनेगा, उसमें हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होगी, क्योंकि जो भी आदमी अपना बजट बना के देगा, जो भी पर्टिकुलर लाइन ऑफ आइटम आपको बताएगा कि ये ऐसे आपको करनी चाहिए, कल को अगर उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं कि आपने जो है ये बताया था कि इस पर्टिकुलर आइटम, लाइन ऑफ आइटम को इस तरह से इंक्लूड करेंगे तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वो बेनिफिट्स हमें उस तरह से नहीं मिले हैं तो ऐसा क्यों हुआ है, तो उसके लिए हम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तय कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड हो जाता है, हर एक डिपार्टमेंट अपना दोबारा से सर्वे करता है, दोबारा से हर एक चीज़ों को दोबारा से जो है रीवैल्यूएट करता है और तब जो है बजट में अपनी जो है इन्वॉल्वमेंट करता है। तो इस तरह से बजट जो है वो बिल्कुल जो है एक तरह से दोबारा से रीवैल्यूएशन होकर के बनता है फर्म को, तो वो बजट जो है ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है, ज़्यादा जो है उसमें जो है रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये जीरो बेस बजटिंग की अप्रोच है। थैंक यू वेरी मच।